गदर 2 और OMG 2 ये मूवीज थिएटर से निकली भी नहीं है और बॉलीवुड की ही एक और मूवी ड्रीम गर्ल 2 थिएटर्स में रिलीज भी हो गई। और इत्तेफाक की बात तो ये है कि ये तीनों मूवीज सीक्वल्स है। तो ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त यानी फ्राइडे को रिलीज हुई है। तो ऑलरेडी थिएटर्स में इतने बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी मूवीज रिलीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रीम गर्ल 2 के कलेक्शंस काफी इंप्रेसिव है। तो आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल की तरह ये ड्रीम गर्ल 2 भी काफी मजेदार है। तो बॉलीवुड में हमें काफी टाइम के बाद कोई ढंग की कॉमेडी मूवी देखने को मिली है जिसमें ऑलमोस्ट बॉलीवुड के सारे कॉमेडियन हैं। तो खैर, आपने ये मूवी देखी या फिर नहीं देखी ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस मूवी के कलेक्शंस के बारे में। तो इस मूवी ने 10.70 करोड़ से ओपनिंग ली। अगर इस मूवी के टॉपिक को देखा जाए तो इस मूवी ने काफी अच्छी शुरुआत की है। तो दूसरे दिन यानी सैटरडे को इस मूवी ने 14 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो देखो, तीसरे दिन संडे था तो उस दिन इस मूवी ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया है। यानी दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन इस मूवी के कलेक्शंस में हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फिर उसके बाद आता है मंडे, मींस कि अच्छे-अच्छे मूवीज की हवा टाइट हो जाती है, मतलब कि मूवीज के कलेक्शंस में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो सेम उसी तरह इस मूवी के कलेक्शंस में हमें 66% का डाउनफॉल देखने को मिला है। यानी इस मूवी ने अपने चौथे दिन 5.42 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अगर डे 5 की बात करो तो शायद ये मूवी 5.5 करोड़ तक कमा सकती है। यानी इस चीज से तो ये क्लियर हो रहा है कि ऑडियंस का अच्छा खासा अटेंशन इस मूवी को मिल रहा है। तो अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो इस मूवी ने अब तक 51.63 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। यानी इस मूवी ने अपने बजट को तो कवर कर ही लिया है। वैसे इस मूवी का बजट 35 करोड़ है और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 61.94 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अगर सच्ची बताओ तो मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी 5 दिन में इतना कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी गदर 2, OMG 2 और जेलर मूवी थिएटर में धमाल मचा रहे हैं। वैसे गदर 2 ने 456 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है और OMG 2 ने 136 करोड़ का और जेलर ने 308 करोड़ का। वैसे जेलर ने सबसे ज्यादा कलेक्शन साउथ में ही किया है। तो खैर, अब सही मायने में ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड का कमबैक हो चुका है, क्योंकि 2023 में बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आई है उसमें से ज्यादातर मूवीज हिट ही रही है, जैसे कि जरा हटके जरा बचके, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और रिसेंटली आई हुई मूवीज गदर 2 और OMG 2 भी। तो खैर, इन सभी पर आपके क्या विचार है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।